बैड गाइस ड्रीमवर्क्स की एक एनिमेटेड मूवी है। इसमें हमें मिलाया जाता है कई जानवरों से जो इंसानी दुनिया में रहते हैं और वो इंसानों की तरह ही चलते उठते बैठते हैं। वो पांच जानवर है हमारे मेन लीड इस फिल्म के, जिसमें से एक वुल्फ है, शार्क है, पिराना है और टेंटोला है और स्नेक है। ये मिलके चोरी चकारी करते हैं, बैंक लूटते हैं, पेंटिंग लूटते हैं, मतलब जो भी वैल्यूएबल आइटम है उसको चुराते हैं और अपने अड्डे में मस्त रहते हैं। एक बार शहर के गवर्नर ने चुनौती इंटरेक्ट गोल्डन ग्लोब डॉल्फिन अवार्ड करके कुछ है, उसे चुराओ। वो चुराने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं, पर जेल जाने से बचने के लिए वो दावा करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिलेगा तो हम सुधर के दिखाएंगे। उन्हें दूसरा मौका दिया जाता है, वो सुधरने का नाटक करते हैं, नाटक करते करते वो एक्चुअल में सुधर जाते हैं, पर उनके नाम पे कोई और चोरी करके चला जाता है। और वो कौन है, क्या है, ये जानने के लिए और वो कैसे बचेंगे ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओवरऑल एक अच्छी एनिमेटेड फिल्म है जिसमें मुझे जो शार्क का करेक्टर और पिराना मछली वाला करेक्टर है वो बहुत अच्छा लगा। उनकी एनिमेशन बहुत ज्यादा क्यूट है और बाकी सब की एनिमेशन भी बहुत अच्छी है। और एक पुलिस वाली, हट्टी कट्टी पुलिस वाली उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। वैसे कहानी कोई नई नहीं है, वही GCPT कहानी है, पर इसे बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाया है। इन्होंने ये बताने की कोशिश भी की गई है जो एक्चुअल में बुरा दिखता है, मतलब स्टीरियोटाइप बना के रखा है कि फॉक्स बुरा ही होगा, वुल्फ बुरी ही होगी, ये जो है हमें नहीं करना चाहिए। लोगों को उनके एक्शन से जज करना चाहिए, ना कि उनकी रेस या उनकी हिस्ट्री क्या रही है, पास्ट क्या है उनका, उसकी बजाय उनके प्रेजेंट के एक्शन से जज करना चाहिए। तो यही फिल्म में सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है और लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए सुधरने का, ये सब बताने की कोशिश की गई है। एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है जिसमें एक गाना है फिल्म के बीच में बज रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। और कुछ अच्छे से एक्शन के सीन एनिमेटेड बनाए गए हैं, जब उन बैड गाइस के पीछे पुलिस लगी होती है और पुलिस को कैसे चकमा देके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो देखने में मजा आता है। ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है जिसकी स्टोरी कुछ नई नहीं है पर उसे बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो मैं 8.3 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में। अलविदा।